नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे उनहत्तर हज़ार को लेकर दो अपडेट देखने के लिए मिल रही हैं। पहली अपडेट दोस्तों रिवाइज आंसकी के मामले को लेकर, जिसकी सुनवाई 28 तारीख को होने वाली है। उसकी जो कॉजिस्ट है वो जारी होगी, लेकिन दोस्तों रोस्टर के तहत जज साहब के अंदर बदलाव हुआ है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ में नेशनल मीडिया के अंदर जाँच का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि 140-144 वाले मुन्ना भाइयों को बाहर निकाल करके लाइए, उनका इंटरव्यू करिए, या फिर दोस्तों उनकी जो जाँच है वो हो जानी चाहिए। दोनों अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नेशनल मीडिया में लगातार 69,000 का मुद्दा उठाया जाए, मैंने आपको पहले भी दिखाया था संजय शर्मा जी की तरफ से दोस्तों उठाया गया था, आज भी मुद्दा उठाया गया 69,000 का। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पहले दोस्तों मैं आप सभी को वीडियोस दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। कोचिंग वगैरह भर्ती में उत्तीर्ण हम सभी अभ्यर्थी आपके समक्ष दो निवेदन करते हैं। ये सरकार के पास निवेदन करें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए कथित धांधली और सहायक शिक्षक भर्ती के गुणांक के निर्धारण के संबंध में, 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई कथित धांधली की उच्च स्तरीय जांच सरकार कराए, जिससे ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती का गुणांक बनाने में एकेडमिक परसेंटेज को शामिल न किया जाए। कारण, सन 1990 से लेकर 2015 तक उत्तर प्रदेश बोर्ड सहित सभी शिक्षा बोर्ड सिलेबस में बहुत बदलाव आया है। इसी प्रकार अलग अलग बोर्ड और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस भी अलग अलग होते हैं, उनके परीक्षा पैटर्न अलग होता है, नंबर देने का पैटर्न अलग होता है, सभी छात्र अलग अलग स्ट्रीम, कोई बीए, कोई बीएससी, तो कोई बीकॉम से पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं, इसलिए एकेडमिक में प्राप्त नंबरों के आधार पर उन छात्रों की योग्यता की तुलना नहीं की जा सकती। और अगर एक अच्छा विद्यार्थी ऐसे मुख्यमंत्री के शासनकाल में, जिसके राज्य में नकल ना के बराबर हो, ऐसा दावा है, तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी बहुत ही कड़ाई और ईमानदारी से किया जाता है। ये दावा है कि हमारे शासनकाल में सारी चीजें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, लेकिन लोग कर रहे हैं। बहुत सारे प्रूफ हैं, प्रूफ तो अभी हमने बताए, और ये सारे कागज हम वही लेकर बैठे हैं जिसमें एक ही परिवार के लोगों को खास तरह के नंबर मिल रहे हैं, और ये सारी लोगों ने हाथ से बनाकर सूचियां भी भेजी हैं, कुछ मार्कशीट है उनकी जो परीक्षा के नतीजे बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस ओर संकेत कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इसकी जांच कराई जाए। तो अभी अभी दोस्तों आप सभी ने सुना संजय शर्मा जी को, जिनकी तरफ से दोस्तों आप सभी को देखने के लिए 69,000 का मुद्दा। साथ में एक और चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो 69,000 स्पेशल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप सभी देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप सभी जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। वहां पर दोस्तों पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। वहीं अगर बात करें कॉजिस्ट के संदर्भ में, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पाएंगे हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद आप सभी के सामने देखने मिलेगा 28/5/2020 की जो कॉजिस्ट है वो आ चुकी है। पहले इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे दोस्तों वो मनीष माथुर जी कर रहे थे, लेकिन अब आलोक माथुर जी दोस्तों इस केस की सुनवाई करने वाले हैं। कल क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर दोस्तों कल ही आप सभी को देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर बात करें 8वें नंबर पर आप देखें तो आपको जो केस है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ कनेक्टेड है ऋषभ मिश्रा की याचिका, जिसकी सुनवाई होने वाली 80/86 आप सभी के सामने। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट स्टडी के माध्यम से मिलती, लेकिन फिलहाल दोस्तों जज साहब के अंदर बदलाव हुआ है, लेकिन कोशिश जारी हुई है, तो देखते हैं कल सुनवाई होगी कि नहीं होगी, इस चीज को लेकर आप सभी को पता चली जाएगा। फिलहाल आप सभी को बताएं कि सरकार की तरफ से दोस्तों महाधिवक्ता बहस करने के लिए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी दोस्तों कल की जो डेट लगी हुई, दोनों तरफ से जो भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जैसे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।